श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। इंदौर से आए 16 छात्र, देवास में बनवाया फर्जी पास। सिमरिया दमू बॉर्डर पर तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने पकड़ा। पूरे देश में लॉकडाउन है और कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगातार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने हेतु मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिया गया है। साथ ही जनता से बार बार अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं और लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार का मामला पन्ना जिले के सिमरिया तहसील से सामने आया, जहां पर 16 छात्र एक मिनी बस से सिमरिया दमू बॉर्डर पर पकड़े गए। सिमरिया तहसीलदार ने इन सभी छात्रों को पकड़कर आइसोलेट सेंटर में रखवा दिया है और सभी के मेडिकल चेकअप करवाए जा रहे हैं। साथ ही बस ड्राइवर पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला पंजीकृत किया गया है। सिमरिया तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान मिनी बस को पकड़ा गया और पूछताछ में पाया गया कि जो उनके पास कागजात हैं वह संदेह के घेरे में, क्योंकि यह सभी छात्र इंदौर से चले थे और पास देवास के परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। 14 स्टूडेंट थे और जिसमें से गुनौर, सलेहा, नागौद के स्टूडेंट थे और 3 ड्राइवर थे इस गाड़ी में, और ये लोग संदिग्ध पास लेकर के देवास से पास बनवाया था। सवारी इंदौर की थी। जो पास बना है उसमें परियोजना अधिकारी के दस्तखत हैं और SDM अनुभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय से निकला हुआ है, इसलिए प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगता है। और इसने बस वाले ने, ड्राइवर ने जो है लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए यहाँ पहुँचा है, इसलिए सिमरिया में रोका गया और इसके विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराई गई और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और जो बच्चे थे स्टूडेंट, उनको सकुशल खाना खिला करके उनके स्थान में प्रशासन के हवाले पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से उनको जहां आइसोलेट है, सेंटर है, उनमें रखा गया है। उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है और ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि सभी छात्रों के लॉकडाउन पास संदेह के घेरे में होने के कारण तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए पन्ना से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट।